उज्जैन में जब फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने दुकान पर छापेमारी की तो बड़ा खेल सामने आया। एक बड़े ब्रांड के नाम का लेबल लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था। पैकिंग ऐसी कि दिमाग चकरा जाए। फूड सेफ्टी विभाग ने करीब 150 किलो नकली घी बरामद किया। अलवर में इस घी को तैयार किया जाता था और वहां से इंदौर होते हुए नकली घी को उज्जैन के बाजार में सप्लाई किया जाता। घी में केवल होता है मिल्क फैट, यानी कि केवल गाय या भैंस के दूध से निकली हुई फैट, उसको ही हम मिल्क फैट कहते हैं, क्योंकि गाय भैंस का जो दूध है वही मिल्क फैट कहलाता है। और अब इसमें बाकी इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो लेबल नियम के अनुसार नहीं है, तो ये इन आधार पे हमें थोड़ा शंका हो रही है। हैरानी की बात यह है कि दुकानदार को सिर्फ घी की बिक्री से मतलब था, माल असली है या नकली उसे कुछ नहीं पता। मेरे को तो कुछ पता नहीं सर, ये सीधा ये का हमारे पास एजेंसी है, इसका माल आता है, हम भी कितने समय से बेच रहे हैं? साल भर से, एक वर्ष से बेच रहे हैं। और कितने व्यापारी बेचते हैं? मोस्टली सभी, ज्यादातर व्यापारी जो जिनको घी बेचते हैं वो सभी बेचते हैं। पीलीभीत में भी मिलावट का धंधा जोरों पर है। जिले के अमरिया इलाके में सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने जब छापा मारा तो करीब 7 क्विंटल नकली तेल बरामद हुआ। नकली तेल का सैंपल लेकर दुकान को सीज कर दिया गया है। अमरिया कस्बे में एक गोदाम को चेक किया गया और गोदाम में भारी मात्रा में जो नकली तेल है उसकी संदिग्धता पाई गई। कुल इसमें 2 सैंपल लिए गए और ये जो टोटल तेल बैठा है ये करीब 6 क्विंटल 80 किलो बैठा है, जिसकी बाजारी कीमत 1,02,000 रुपये। इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली मिठाई, घी और तेल बरामद हो चुका है। ऐसे में अब जब आप बाजार जाएं तो जरा संभल कर, क्योंकि नकली सामान आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।